सो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं बिगेस्ट कंट्रोवर्सी के बारे में। तो बेसिकली जैसा कि मैंने अपनी इस वीडियो में बताया था कि एजाज खान ने सभी यूट्यूबर्स को वार्निंग दी थी कि वो उनसे सॉरी बुलवाएंगे जब भी वो लोग मुंबई आएंगे, तो इसी चीज पर फुकरा इंसान ने अपना रिएक्शन दिया है, तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। एजाज खान यू नो ओपनली चैलेंज यूट्यूबर्स टू स्टॉप रोस्टिंग। हम डर गए। और यू नो आपने अगर वीडियो देखी तो उन्होंने कैरी मिनाटी को भी लिया था और सॉरी बुलवाया था वीडियो में, तो आपका क्या व्यू पॉइंट है? मुझे लगता है अब हमारे को टाइम आ गया है एजाज खान को सॉरी बोलने का। एजाज खान, आई एम सॉरी, आज के बाद मुझे कुछ मत कहना। व्हाट नॉनसेंस इज दिस यार? आई फील रोस्टिंग जो भी होती है एक बहुत फ्रेंडली वे में होती है। अभी तो यूट्यूबर्स वो टाइम चला गया जहाँ पर बिलो द बेल्ट हिट करके रोस्टिंग करते थे। अगर ऐसे लोग ओपनली चैलेंज करने लग गए तो मुझे लगता है वो समय भी दूर नहीं है जब फिर एक्चुअल रोस्ट लोगों को दिखेगा और फिर वो वाला बर्दाश्त भी नहीं होगा लोगों से। दैट्स हाउ आई फील कि जब तक चीज़ें फ्रेंडली वे में है उसको ले लेना चाहिए। एंड इट्स नॉट राइट किसी को भी पब्लिकली पकड़ के सॉरी बोल। ऑल्सो एल्विस यादव एंड रजत दलाल ने एजाज खान की वार्निंग के रिप्लाई में एक रील शेयर की है। राम राम भाई सभी लोगों को, जितने मेरे भाई देख रहे हैं इस वाली वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये वाली वीडियो ना मैं बहुत बहुत डर के बना रहा हूँ भाई। बहुत डर लग रहा है मुझे क्योंकि मैं मुंबई में खड़ा हूँ, एजाज भाई की नगरी में। उन्होंने बोला था मुंबई में मेरे से सॉरी बुलवाएंगे, कटारी से सॉरी बुलवाएंगे, जितने भी यूट्यूबर है सबसे सॉरी बुलवाएंगे। दिल्ली में मिले दिल्ली में पकड़ेंगे हमको, मुंबई में पकड़ेंगे और कहां पकड़ेंगे, हरियाणा में पकड़ेंगे। हरियाणा में क्योंकि भाई के बहुत सारे लोग हैं वहां पे, हमें सॉरी बुलवाएंगे। भाई साहब पकड़ ले भाई, पकड़ लो। बहुत रीच आउट करने का ट्राई करा है, ये शेर शेर कर रहे थे भाई। पहले तो ये बताओ शेर घर पे आया था या घर से कोई जंगल में गया था, जो बोल रहे थे ना कुत्ते और शेर वाली बात, या फिर घर पे आया था शेर? वो वाला वो मैच नहीं करता। ज्यादा क्या खींचनी इसको ना, तुम्हारी कितनी औकात है और किसकी क्या है सबको समझ में है। तो ये इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया पे भौंकना थोड़ा बंद करो और थोड़ा इंसान के बच्चे की तरह रहो। तुम्हें भी पता है तुम्हारे आधे दो पैर सलाखों के पीछे है, जो मुंह बाहर निकला है ना उसको ज्यादा इतना मत चिल्लाओ कि पूरे अंदर जाओ, हिसाब से रहो। तो एल्विस यादव की इसी रील के बाद एजाज खान ने भी उसके रिप्लाई में एक रील शेयर की है। वो दो जोकर लोगों ने वीडियो बनाई है कि एजाज भाई आपने हमको धमकी दी थी, हम लोग बम्बई आए हुए बंद कमरे के अंदर बनाई हुई है, उसमें बम्बई किधर है और एड्रेस किधर है? अबे जंगल में मोर नाचा किसने देखा? और मिलूंगा एल्विस तेरे से आके, तू जहां भी रहेगा उधर आऊंगा और अकेला आके मिलूंगा तेरे से, और तेरे से भी दलाल, अकेला वन मैन शो, कोई आर्मी नहीं है रे मेरी, वन मैन आर्मी हूं मैं, भेद लोकेशन किधर है तू? तो गाइज, इसी कंट्रोवर्सी से रिलेटेड पीपो ने एक वीडियो डाली है एंड थगेस ने भी अपनी स्टोरी में लिखा है एजाज खान रोस्ट 8:30 PM टुडे। तो गाइज, इस कंट्रोवर्सी पर आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर से बताना। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्रेजी दीप के बारे में। तो क्रेजी दीप ने एल्विस यादव एंड रजत दलाल से रिलेटेड एक ट्वीट किया है एंड ट्वीट में लिखा है, लोग कह रहे हैं एल्विस यादव को कॉल आउट करो, अब वो रजत दलाल के साथ वीडियो बना रहा है। भाई मैं तो यूट्यूबर्स को मना कह रहा था, खुद गुंडों को नहीं, ये खुद फिजिकल फाइट में पड़ गए थे मैक्सम के साथ, एक्चुअली गिल्टी होते तो ट्वीट कर देते रजत के खिलाफ। बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो बिग बॉस के इस वीकेंड के वार पे एल्विस यादव एंड मिस्टर फैजू आने वाले हैं, तो इससे रिलेटेड जियो सिनेमा की तरफ से एक ऑफिशियल ट्वीट भी आया है। एंड अब बात कर लेते हैं वीडियो के कुछ लास्ट अपडेट्स के बारे में। तो फुकरा इंसान को कल एक अवार्ड मिला था जो कि है OTT रियलिटी स्टार ऑफ द ईयर, सो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम। एंड इससे रिलेटेड कल ट्विटर पे OTT स्टार अभिषेक मल्हान 19.8 के पोस्ट के साथ ट्रेंड कर रहा था। एंड फुकरा इंसान न्यू सॉन्ग जोर की बरसात हैज कंप्लीटेड 15 मिलियन व्यूज एंड स्टिल ट्रेंडिंग ऑन नंबर 3। ऑल्सो ट्रिगर्ड इंसान की न्यू हॉरर वीडियो 1.1 मिलियन व्यूज के साथ 35th नंबर पे ट्रेंड कर रही है। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना एंड ऐसे ही डेली अपडेट्स जानने के लिए डू सब्सक्राइब।